आने वाली 31 तारीख को, 31 मार्च को जो भूत का दिन है, भूत के दिन औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो खासदार इम्तियाज अली साहब ने जो है एक मोर्चा आयोजित किया है। ये मोर्चा लेने की वजह यह है कि जो औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो एक मेडिकल फेलियर है, जो जो तो प्रशासन की तरफ से निग्लेक्शन किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। घाटी में कैंसर हॉस्पिटल में और भी औरंगाबाद ज़िले के अंदर जितने भी छोटे मोटे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है तो 2050 जो है तो जो पोस्ट है जो वैकेंट है पिछले एक डेढ़ साल से, जिसको गवर्नमेंट के एक साल के अंदर अपने फेलियर को एक सक्सेस बना सकता था, इन पोस्टों को भर के और एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है तो स्ट्रांग करके, वो स्ट्रांग इन्होंने नहीं किया और अपना निग्लेक्शन का, अपनी गलतियों का खामा आज जो है तो इन्होंने औरंगाबाद ज़िले के ऊपर जो है तो लॉकडाउन के शक्ल में लगाया है। तो इस लॉकडाउन के विरोध में और इस जो मेडिकल निग्लेक्शन पूरे प्रशासन की तरफ से हुआ है, उसके विरोध में जो है तो आने वाली 31 मार्च को जो भूत का दिन है, खासदार इम्तियाज अली साहब के साथ इंशाल्लाह पैठन गेट से हम लोग मोर्चा निकालेंगे। वो मोर्चा जो है तो पैठन गेट से निकलकर कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचेगा। मेरी तमाम एनजीओ से, तमाम राजकीय पार्टियों से, तमाम हमारे दोस्तों से, दुश्मनों से सबसे गुजारिश है कि इस जो है तो मोर्चे में शामिल होइएगा। ये मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है साहब, ये मोर्चा जो है तो औरंगाबाद ज़िले की जो आवाम को परेशान किया जा रहा है लॉकडाउन के ऊपर थोप के, ये उसके विरोध में एक मोर्चा निकाला जा रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मोर्चे में कसीर तादाद में शामिल होकर जो तुम खासदार इम्तियाज अली साहब का साथ दीजिए। कल रात में जो है तो लॉकडाउन की शुरुआत होगी कल रात में 12 बजे से, मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप इस मोर्चे में शामिल होइए, ताकि आप अपना विरोधी शासन इस प्रशासन इस गवर्नमेंट की तरफ दिखा सके, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो और हमारे साथ इंसाफ हो। जो गरीब बेबस लोग परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनके साथ इंसाफ करने के लिए मोर्चा निकाला जा रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि लॉकडाउन है मगर आप आइएगा, हमारा साथ दीजिएगा। आपसे पहले हम आगे आपके खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह अगर पुलिस ने लाठीचार्ज की तो पहली लाठी हमको पड़ेगी, और अगर पुलिस ने गुनाह दाखिल किया तो गुनाह हमारे ऊपर दाखिल होगा। इंशाल्लाह हम आपको सेफ साइड रखने की पूरी कोशिश करेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।